उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आज एक निजी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंचे यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रियंका गांधी के एक ट्वीट पर बिना नाम लिए कहा कि कुछ लोगों का पर्यटन टूर शुरू हो चुका है और वे घर में बैठकर ट्वीट करते रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को बंगाल और हैदराबाद मॉडल बनाने की सोचने वाले भूल जाएं। उत्तर प्रदेश अगर अब बनेगा तो मोदी और योगी मॉडल बनेगा। पहली बार प्रयागराज बोर्ड परीक्षा के बिना ही परिणाम आने पर उन्होंने कहा कि 56 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री के निर्देश पर प्रयागराज बोर्ड के 100 साल के इतिहास में पहली बार बिना परीक्षा के उनके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए उनकी अंक तालिकाओं को वितरण होगा। मुझे दुख इस बात का है कि जब कोरोना से लोग पीड़ित हो रहे थे तो विपक्ष के बहुत सारे जो नेता हैं आज वे जो विभिन्न प्रकार के जातीय उन्माद को उत्पन्न करने के लिए झूठी विभिन्न प्रकार की मनगढ़ंत बातों से लोगों में आक्रोश पैदा करने का सपना देख रहे हैं। कुछ लोग तो साइकिल यात्रा पर निकलने का, कुछ लोग तो और प्रकार के सम्मेलन करने का जो तरीका अपना रहे हैं। उस समय वे कहाँ थे जब कोरोना से पूरे वर्ष हमारा प्रदेश प्रताड़ित हो रहा था? तब घरों में बैठकर एयर कंडीशन कमरों में बैठकर केवल ट्वीट करते थे हफ्ता 10 दिन में कि बीजेपी सरकार वैक्सीन नहीं ला सकती, बीजेपी सरकार वैक्सीन लाएगी तो नकली होगी, भारत में तो वैक्सीन हो ही नहीं सकती, आ गई तो यहाँ मिल ही नहीं सकती, आ गई तो ये फ्री मिलना चाहिए। और यहाँ तक तो कुछ नेता ने यह कह दिया कि कोरोना वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है, लेकिन उसके बाद उनके परिजनों ने वह वैक्सीन लगवाया। और आज से एक बड़े दिल्ली के नेता ने जो नौजवान से पूर्ण होने की सीमा पर पहुंच चुके हैं, ऐसे सम्मानित नेता ने आज अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हुए भारत की विश्वसनीय वैक्सीन को लगवाने का काम किया है। अब उनको पता चला कि मोदी जी क्या हैं, अब उनको पता चला कि योगी जी क्या हैं। ये लक्ष्य लेकर जनता के हित में जो काम किया है उससे विपक्षी दलों में डर का वातावरण चुनाव को लेकर लगा है और वे विकास के नाम पर, सेवा के नाम पर बीजेपी का सामना नहीं कर सकते। इसलिए आज वे जातीय उन्माद के आधार पर विभिन्न धर्मों का नाम लेकर प्रदेश के वातावरण को प्रदूषित करने का सपना देख रहे हैं। अब ये प्रदेश में जातिवाद, संप्रदायवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचारवाद, इन बातों की जगह अब केवल एक ही बात चलेगा, वह है मोदी जी और योगी जी का विकासवाद। तो आज हमारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो परीक्षा परिणाम है, मैं समझता हूँ आधे घंटे बाद वो भी आने वाला है। 56 लाख से अधिक विद्यार्थी बैठे थे। प्रधानमंत्री जी ने जैसा कि आह्वान किया था कि कोरोना के संक्रमण काल में जो बच्चों की सुरक्षा है वो हमारी प्रथम प्राथमिकता है, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया था कि उत्तर प्रदेश जो प्रयागराज बोर्ड है उसके 100 साल के इतिहास में पहली बार बगैर परीक्षा के केवल अंकन प्रक्रिया, उनके पिछले रिकॉर्ड्स और जो उपलब्ध रिकॉर्ड है अंकों का, उसके आधार पर अंक तालिकाओं का वितरण होगा। ये परीक्षा परिणाम नहीं है और इसके माध्यम से जो एक विद्यार्थी है उसको आगे की भूमिका तय करने का अवसर मिलेगा। और जैसा आपने CBSE के रिजल्ट्स में भी देखा है और हमने पहले भी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हम लोगों ने ये घोषणा कर रखी है कि परीक्षा परिणामों के बाद भी अगली एक परीक्षा जो बैठना चाहेगा विद्यार्थी अपने अंकों को इम्प्रूव करने के लिए, उसको अवसर मिलेगा। और न केवल अवसर मिलेगा बल्कि जिन लोगों ने बोर्ड की फीस जमा की है उन्हें दोबारा बोर्ड की फीस नहीं देनी होगी। आज हम चाहते हैं कि हमारा जो विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हैं, जो हमने प्रमोशन दिया था, फाइनल ईयर की परीक्षा हमने कराई है, बाकी हमने तमाम जगहों पर जो पाठ्यक्रम थे उसमें हमने प्रमोशन उसमें भी दिया है, उनको हमने 17 अगस्त तक समाप्त करने के लिए कहा है। 17 अगस्त तक हमारी सारी परीक्षाएँ जो विश्वविद्यालय की समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद विश्वविद्यालयों में एक पठन पाठन का क्रम प्रारंभ हो, उसकी व्यूहरचना हम लोग रच रहे हैं। हम लोग आगे कब ऑफलाइन टीचिंग शुरू कर सकते हैं इस पर जल्दी निर्णय लेने वाले हैं, लेकिन कोरोना, लेकिन उस समय मुझे दुख इस बात का है कि जब कोरोना के संक्रमण से लोग प्रताड़ित हो रहे थे तो विपक्ष के बहुत सारे जो नेता हैं
आज जो विभिन्न प्रकार के जातीय उन्माद को उत्पन्न करने का के लिए झूठी और विभिन्न प्रकार की मनगढ़ंत बातों से लोगों में आक्रोश पैदा करने का सपना देख रहे हैं। कुछ लोग तो साइकिल यात्रा पर निकलने का, कुछ लोग और प्रकार के सम्मेलन करने का जो तरीका अपना रहे हैं। उस समय कहा थे जब कोरोना से पूरे एक वर्ष से हमारा प्रदेश प्रताड़ित हो रहा था, तब घरों में बैठकर एयर कंडीशन कमरे में केवल ट्वीट करते थे हफ्ते 10 दिन में कि बीजेपी सरकार वैक्सीन नहीं ला सकती, बीजेपी सरकार वैक्सीन लाएगी तो नकली होगी, भारत में तो वैक्सीन हो ही नहीं सकती, आ गई तो ये मिल ही नहीं सकती, आ गई तो ये फ्री मिलना चाहिए, और यहाँ तक तो कुछ नेताओं ने कह दिया ये कोरोना वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है। लेकिन उसके बाद उनके परिजनों ने वैक्सीन लगवाया और आज तो एक बहुत बड़े दिल्ली के नेता ने भी नौजवान से जो प्रौढ़ होने की सीमा पे पहुंच चुके हैं, ऐसे सम्मानित नेता ने भी आज अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हुए भारत की विश्वसनीय वैक्सीन को लगवाने का काम किया है। अब उनको पता चला कि मोदी जी क्या है, अब उनको पता चला कि योगी जी क्या है। ये लक्ष्य लेकर जनता के हित में जो काम किया है उससे विपक्षी दलों में डर का वातावरण चुनाव की दृष्टि से लगा है, और वो विकास के नाम पर, सेवा के नाम पर बीजेपी का सामना नहीं कर सकते, इसलिए आज वो जातीय उन्माद के आधार पर विभिन्न धर्मों का नाम लेकर प्रदेश के वातावरण को प्रदूषित करने का सपना देख रहे हैं। अब ये प्रदेश में जातिवाद, संप्रदायवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचारवाद, इन वादों की जगह अब केवल एक ही वाद चलेगा, वो है मोदी जी और योगी जी का विकासवाद। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सवाल है कि सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के दौरान जो स्कूल कॉलेज बंद थे, सरकार ने कहा 30 मई से 30 कम करेंगे स्कूल, कोई नहीं माना, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मुझको लगता है कि आप सरकार के बयान को आपने नहीं पढ़ा होगा, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है फीस के बारे में वो स्पष्ट है। लेकिन भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश ही अकेला प्रदेश है जहां हमने फी रेगुलेशन एक्ट पारित किया है, और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हर जिले में हमारी कमेटियां हैं। 2 वर्ष हो गए, अब की तीसरा वर्ष है, उत्तर प्रदेश में 1 रुपये का शुल्क नहीं बढ़ा है, और जो 6-6 महीने का 7 रुपये का इकट्ठा शुल्क जमा होता था, उस शुल्क को हमने मासिक आधार पर लें, अगर कोई 3 महीने का देना चाहता, 6 आधार का देना चाहता तो दे, इस प्रकार के आदेश हमने पहले ही पारित कर दिए। देखिए, बहुत से दलों का इतिहास अपराधियों को प्रशय देने का रहा है, और अगर कोई अपराधी, अपराधियों की जात नहीं हुआ करती, जिन अपराधियों का नाम लेके वो कह रहे हैं कि क्यों मारा, पहली बात तो पुलिस ने के पे अटैक करेगा तो पुलिस को अपनी रक्षा का अधिकार है। दूसरी चीज, जिन अपराधी का बात कर रहे हैं, जिस जाति का नाम लेके कर रहे हैं, उस अपराधी ने उसी जातियों के दर्जनों लोगों की हत्या करी थी, उस समय इनका जातिवाद और उनका प्रेम कहाँ चला गया था? मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने अपने अपने शासन काल पे जाति विशेष के साथ अन्याय किया था, उसके लिए आज इनका प्रेम झलक रहा है। ये प्रेम नहीं है, ये इनका पश्चाताप सम्मेलन है, जो इनकी अपनी जो करनी थी उस पर पश्चाताप करने का ये प्रलाप एक तरीका कर रहे हैं। जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। मैंने कहा ना कि जिस तरह पार्टी ने काम किया है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का हो, अपराध को नियंत्रण करने का रहा हो, आज अपराधियों की, माफियाओं की सवारी नहीं निकलती, आज उनकी जो सवारी है वो जेल के शिक्षों के अंदर जाती है। 15 अरब और 83 करोड़ रुपए की संपत्ति अगर जब्त होती है तो माफियाओं की होती है। पहले माफियाओं की गोली और स्टेन गने चला करती थी, आज माफियाओं की संपत्ति पर ये बुलडोजर चल रहे हैं,
और मैं समझता हूँ माफियाओं के को प्रशय देने वालों के जरूर दिल पे उनकी मानसिकता पर ये बुलडोजर है, इसलिए वो उनके बारे में विभिन्न प्रकार का बयान देने का काम कर रहे हैं।